दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पांच ऐसे सप्लीमेंट्स की जिन्हें मॉनसून सीजन में आप अपने सप्लीमेंट स्टैक में कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन गुड हेल्थ को मेंटेन करना काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि इस सीज़न में इन्फेक्शन का रिस्क हाई एंड पर होता है सो so, इसीलिए कुछ ऐसे फाइव सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल वेल वेलबींग में आपकी हेल्प कर सकते हैं तो so, चलिए जानते हैं इन सप्लीमेंट्स के बारे में नंबर वन इज़ प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है एक हेल्दी गट को मेंटेन करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इम्यून फंक्शनिंग में एक अच्छा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़रूरत है इस सीज़न में प्रोबायोटिक हेल्प करते हैं गैस्ट्रो इंटस्नाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में जो कॉमन है ड्यूरिंग मानसून सीजन सो मानसून सीजन के दौरान आप वीकली एक से दो बार किसी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लाइक याकुलट या फिर यूनि एनजाइम टेबलेट को अपनी रूटीन में इंक्लूड करके इसके बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं नंबर टू इज़ वाइटामिन सी वाइटामिन सी वन ऑफ द बेस्ट इन्ग्रीडियंट है जो इम्यून फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकता है ये हेल्प करता है बॉडी को फाइट करने में इन्फेक्शन के साथ और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ड्यूरिंग मानसून सीजन क्योंकि ये आपको बचा सकता है कोल्ड फ्लू और कुछ और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से सो so इसे भी आप अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं विटामिन सी आप कुछ विटामिन सी रिच फूड से भी इंक्लूड कर सकते हैं या सप्लीमेंट लेना चाहें तो वीक में दो से तीन बार लिसी टैबलेट या सिलेन 500 टैबलेट को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रूटीन में सप्लीमेंट नंबर थ्री इज़ करक्यूमिन करक्यूमिन भी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है ये एक नेचुरल इन्ग्रीडियंट है जो हर घर में पाया जाता है यानी हल्दी ये इन्हांस करती है इम्यून फंक्शन को इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी मदद कर सकती है सो so, हमारे इंडियन लाइफ में इसे इंक्लूड किया जाता है डेली बेसिस पे लेकिन अगर आप इसे अपनी रूटीन में ऐड नहीं कर रहे तो आप इसे सप्लीमेंट फॉर्म में भी कंज्यूम करके इसके बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं सप्लीमेंट नंबर फोर इज़ वाइटमिन डी सप्लीमेंट वाइटामिन डी सपोर्ट करती है इम्यून हेल्थ को और स्ट्रॉग बोन्स को मेनटेन करने में हेल्पफुल है क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर काफ़ी मिनिमम रहता है इस सीजन के दौरान इसलिए आप किसी वाइटामिन डी सप्लीमेंट को भी अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं या वाइटामिन डी रिच फूड्स को अपनी रूटीन में डेफिनेटली इंक्लूड करें इसके एडिक्यूएट लेवल्स को मेंटेन करें ताकि आपको को कोई प्रॉब्लम ना हो नंबर फाइव इज ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स वन ऑफ़ द बेस्ट सप्लीमेंट है जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है ये आपके इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपकी स्किन आपके हेयर आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है इसे इंक्लूड करके आप मल्टीपल बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो ये आपके मसल बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकता है सो so, एक ऑलराउंडर सप्लीमेंट है जिसे इंक्लूड करके आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन के अंडर इसे कंज्यूम करके इसके बेनिफिट एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन हाँ इसे ज़्यादा डोज में कंज्यूम नहीं करें आपको एक रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही इसे कंज्यूम करना चाहिए जिसके लिए आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करके इसे अपनी रूटीन में इंक्लूड कर, so, कर सकते हैं सो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसे पांच सप्लीमेंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करके मॉनसून सीजन में अपनी बॉडी को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं इन सप्लीमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के साथ साथ एक हेल्दी बैलेंसड डाइट और हेल्दी लाइफ प्रैक्टिस को फॉलो करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ और रूटीन्स को भी फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन जिससे आप काफ़ी अच्छे से अपने बॉडी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लें या किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें किसी भी सप्लीमेंट को अपनी रूटीन में ऐड करने से पहले ताकि आपको कोई हेल्थ इशू या कोई और कंडीशन फेस ना करनी पड़े वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए